हाय एवरीवन, बीइंग अ मॉम हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अपनी बॉडी से रिलेटेड, चाहे वो बैकलेस ब्रा की बात हो, चाहे वो शेप वियर की बात हो। तो लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे व्हाट टू वियर अंडर योर बैकलेस ड्रेसेस, सो मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट रिसीव किए हैं, बहुत लोगों को वीडियो पसंद आया। ऑब्वियसली बींग अ मॉम हमारी बॉडी का जो साइज़ है, जो बर्स्ट का साइज़ है, जो हमारी टमी का साइज़ है, वो बिल्कुल अलग होता है एक नॉर्मल गर्ल से, या एक नॉर्मल जो कि बिफोर मैरिज या फिर बिफोर डिलीवरी जो एक गर्ल होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो दिस टाइम आई डिसाइडेड टू शेयर विद यू व्हाट काइंड ऑफ शेप वियर यू शुड वियर अंडर योर बॉडी हगिंग ड्रेसेस, योर बॉडी कॉन ड्रेसेस। होपफुली आप लोगों को पिछले वीडियो की तरह ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मार्केट में बहुत तरह के शेप वियर अवेलेबल हैं। मैं सारे तरीके के जो भी शेप वियर मार्केट में अवेलेबल है या ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कस करूँगी इस वीडियो के अंदर। और एज ए मॉम आपको कौन सा बेस्ट शेप वियर प्रेफर करना चाहिए फॉर योर ड्रेसेस, बॉडी हगिंग और बॉडी कॉन ड्रेसेस, सो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कौन सा वर्स्ट है, कौन सा बेस्ट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। सो होपफुली यू विल इन्जॉय माई वीडियो और आपको एक परफेक्ट शेप वियर चूज़ करने में हेल्प हो सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक शेप वियर से, जो कि ये है दिस काइंड ऑफ शेप वियर। सो प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ, ओ माई गॉड। सो ये वाला शेप वियर है वो यूजुअली आप इसे यूज़ कर सकते हो आपकी बॉडी हगिंग ड्रेसेस के लिए। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप ये वाला शेप वियर अपनी बॉडी हगिंग ड्रेसेस के लिए यूज़ करते हो तो ये जो पैंटी लाइनिंग है वो आपकी एकदम बॉडी हगिंग ड्रेस है उसके अंदर विजिबल होगी। तो ये वाला जो शेप वियर है विथ अंडरवियर शेप के साथ में और ये टमी एरिया के साथ में आता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने परचेज़ किया था मीशो से और ये 220 अंडर 300 रुपीज़ इसका प्राइस है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है और ये वाला शेप वियर आप यूजुअली यूज़ कर सकते हो आपके जीन्स के अंदर। यूजुअली क्या होता है, जो एकदम हाई वेस्टेड जीन्स होती है उनके अंदर आपका टमी एरिया जो है थोड़ा बाहर निकल के आता है। तो ये अप्रॉक्स 1 से 1.5 इंच तक ये वाला जो शेप वियर है आपके टमी एरिया को कम दिखा सकता है। इवन एक परफेक्ट फिटिंग आपके टमी एरिया पे विजिबल होती है अगर आप ये वाला शेप वियर पहनते हो। तो दिस काइंड ऑफ शेप वियर फ्रॉम माई साइड आई विल रिकमेंड यू, ये जीन्स जो होती है उनके लिए परफेक्ट शेप वियर है। और दूसरा मैं कहूँगी कि आप इस टाइप की शॉर्ट ड्रेसेस या समर ड्रेसेस पहनते हो जिसके अंदर बॉडी, जो ड्रेसेस बॉडी हगिंग नहीं होती है, मैं बोलूँगी कि थोड़ी लूज होती है, तो कहीं कहीं पे यहाँ पे जो आपका बस से टमी एरिया होता है वहाँ पे वो ड्रेसेस फिटेड होती है और नीचे से वो ओपन होती है, उसका थोड़ा सा घेर होता है, यू कैन अंडरस्टैंड। सो उस टाइप की जो ड्रेसेस होती है, बॉडी हगिंग ड्रेसेस नहीं, दूसरी जो शॉर्ट ड्रेसेस होती है, तो उन ड्रेसेस के अंदर आप ये वाला शेप वियर प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे पैंटी लाइनिंग दिखने का कोई भी चांस नहीं है, बिकॉज आपको आपका टमी एरिया को परफेक्ट दिखाना है तो उसके लिए परफेक्ट है। बट बॉडी हगिंग ड्रेसेस के लिए अगेन यू विल फेस द पैंटी लाइनिंग इशू। जीन्स पर्पज से और ए लाइनिंग ड्रेसेस के लिए ये परफेक्ट है। ये दूसरा मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही लाइट वेट है, बहुत कम्फी है, बट ये जो है वो एकदम 1 से 1.5 इंच वाला जो फिटनेस होता ना वैसा ये प्रोवाइड नहीं कराता, बिकॉज इसकी क्वालिटी भी बहुत ओके कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, बहुत पहले ऑर्डर किया था, सो मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज इसकी इतनी अच्छी शेप नहीं आ पाती जैसी वो ब्लैक वाला जो मैंने आपको पहले बताया था ना। सो ये सिमिलर उसी टाइप का है बट ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू, डोंट बाय। अच्छी क्वालिटी शेप वियर परचेस कर लो, बिकॉज क्योंकि वो फ्यूचर के लिए मार्केट में दूसरे टाइप के शेप वियर आते हैं जो इस टाइप के होते हैं जिसमें आपका टमी एरिया से लेके आपके थाई एरिया से नीचे तक, सो आप ये देख सकते हो इस टाइप का, जिसमें शॉर्ट्स अटैच है और टमी एरिया भी आपका बहुत अच्छे से परफेक्ट शेप प्रोवाइड करेगा। तो इसमें ना इस टाइप से ये बैट लगे हुए हैं, यू कैन सी ये इस टाइप से ये लाइन्स अटैच है, अगर आपको कैमरे में दिख रही होगी तो ये इस टाइप से कुछ है समथिंग, जो बहुत ही अच्छे से फिट वाले जो शेप वियर है ना बहुत ही अच्छी परफेक्ट फिटिंग देते हैं। ये वाला मैंने परचेज़ किया था अमेजोन से और इसमें ना इस टाइप से कुछ हार्ड लाइंस हैं, सपोर्टिव लाइंस आई कैन से बोल सकती हूँ, सो बहुत ही अच्छी फिटिंग देते हैं। और ये वाला शेप वियर आप बॉडी हगिंग ड्रेसेस के अंदर पहन सकते हो, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स अटैच है तो आपको पैंटी लाइन जो है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी। एंड दिस टाइप ऑफ शेप वियर इज़ परफेक्ट फॉर योर बॉडी हगिंग ड्रेसेस, और आई विल से कि आप इसको जीन्स के अंदर भी पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा शेप वियर है। अगर आपको मतलब ये शॉर्ट्स का जो साइज़ है ना वो आपके थाई एरिया तक आएगा, तो आप इस टाइप के जो शेप वियर है वो आप आपकी बॉडी हगिंग ड्रेसेस और एज वेल एज आप अपनी जीन्स के अंदर भी पहन सकते हो, प्लस जो ए लाइन ड्रेसेस होती है जो बॉडी हगिंग ड्रेसेस नहीं होती उनके अंदर भी पहन सकते हो।
शेफवेयर प्रिफर नहीं करना चाहते हो, केवल एक ही शेफवेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकें, चाहे वो आपके टमी एरिया हो, चाहे वो थाई एरिया हो, चाहे वो जीन्स के अंदर, तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर दिस शेफवेयर, क्योंकि ये परफेक्ट है, मल्टीपल तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब जीन्स के अंदर कुछ लंबा लंबा यानी कि जो शॉर्ट्स आता है ना, शॉर्ट्स का साइज़ वो पहनना पसंद नहीं होता है, सिर्फ शॉर्ट्स की हाँ कि टमी एरिया हो जाए और बस दैट्स इट, तो उसके लिए आप ये चूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये आपके सिर्फ टमी एरिया को कवर अप करेगा और ये वाला जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाता है इसलिए। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मल्टीपल पर्पज से सोच रहे हो और पैसा बचाना चाहते हो तो गो फॉर दिस शेफवेयर, ये परफेक्ट है एंड प्राइस भी शायद 500 से बिलो या 500 समथिंग है, मैंने बहुत टाइम पहले परचेज किया था, सो ये परफेक्ट है। सो यस, शेफवेयर आई विल से दिस इज़ नॉट शेफवेयर, ये बॉय शॉर्ट्स आते हैं जो यूजुअली क्या होता है हमारी बॉडी कॉन जो ड्रेसेस होती है, सपोज आप अगर बहुत ज़्यादा स्लिम हो, एज ए मॉम आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो, आपको शेफवेयर की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ऐसे बॉय शॉर्ट्स चाहिए जिस ताकि आपको पैंटी लाइनिंग आपकी जो ड्रेसेस हैं उनके अंदर विजिबल ना हो, तो इस टाइप के बॉय शॉर्ट्स आप ट्राई कर सकते हो। आपकी शॉर्ट ड्रेसेस के अंदर बॉय शॉर्ट्स आते हैं जो आपके टमी एरिया से नीचे होते हैं, ऑब्वियसली ये आपके किसी तरह का शेफवेयर नहीं है, बट आपके शॉर्ट ड्रेसेस के अंदर पहनने के लिए है, और ये मैंने किसी लोकल मार्केट से लिया था, ये कॉटन का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इस टाइप के बॉय शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग, इससे थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट भी आता है, वो आप जिवामे पे या अमेजोन पे ट्राई कर सकते हो, मिलता है ये मुझे, पर परफेक्ट है शॉर्ट ड्रेसेस और शॉर्ट स्कर्ट्स के लिए। दूसरे जो शॉर्ट्स की बात करी थी मैं, इस टाइप साइकिलिंग शॉर्ट्स भी बोलते हैं, जो यूजुअली जो आपकी ओवरसाइज टी शर्ट्स होती है या फिर जो आपकी नीज से बिलो तक की ए लाइन ड्रेसेस होती है उनके नीचे क्या पहने, तो इस टाइप के अगर आप बहुत स्लिम हो, आपको शेफवेयर नहीं पहन रहे हो, तो इस टाइप के शॉर्ट्स जो हैं वो साइकिलिंग शॉर्ट्स जो हैं आप ट्राई कर सकते हो। ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बट इस पर जो है ना इस टाइप से लाइन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ए लाइन ड्रेसेस के अंदर पहन रहे हो या फिर अगर ओवरसाइज टी शर्ट के नीचे पहने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको इस टाइप से लाइन वगैरह नहीं चाहिए, आपको एक परफेक्ट शॉर्ट्स चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू लिंक। आजकल एक अलग टाइप के शेपियर मार्केट में आए हैं जिसमें अगर आपका जो टमी एरिया है उसके नीचे का जो फिगर है आपका वो परफेक्ट है, जैसे कि आपका बम एरिया ज़्यादा नहीं है, थाइस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको अपर बॉडी के लिए शेपियर चाहिए, अपर बॉडी के लिए शेफवेयर चाहिए, जैसा कि आपका जो बस्ट एरिया है वो थोड़ा सैगिंग है या बहुत ज़्यादा फैट है जो साइड में से निकलता है, या टमी एरिया बहुत ज़्यादा फैटी है, तो और आप बॉडी हगिंग ड्रेसेस पहनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी अपर बॉडी का जो शेप है वो एकदम परफेक्ट लगे, नो डाउट आप बहुत ज़्यादा मोटे वो इतने तो नहीं हो जाओगे, बट एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड करे, आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड कि साइड में से कुछ निकलेना। जो कैमिसॉल है वो आप ट्राई कर सकते हो, इससे क्या होगा कि ये जो कैमिसॉल है ना वो आपके जो ब्रा होती है उसके नीचे से ये स्टार्ट होता है और अप टू आपके टमी एरिया तक ये जाता है, तो आपका जो यहाँ से लेके जो टमी एरिया का बॉडी है वो थोड़ा सा फिटेड एक परफेक्ट आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेगा, और इवन आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो, फैट नहीं है, फिर भी आप इस टाइप के कैमिसॉल पहन सकते हो अगर आप आपकी बॉडी को बहुत ही परफेक्ट शेप देना चाहते हो अपनी बॉडी हगिंग ड्रेसेस के अंदर, तो यू कैन ट्राई दिस कैमिसॉल। आई वुड से दिस इज़ कैमिसॉल, बहुत सारे लोग इसे शेपवियर भी बोलते हैं, ये मैंने ऑर्डर किया था जिवामे से, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से गेट कर सकते हो, इसका प्राइस अप्रॉक्स 600 समथिंग है ड्यूरिंग सेल और मे बी 600 समथिंग ही रहता है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है कि मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बहुत घुटन सी हो रही है, वैसा नहीं है, एकदम कंफर्टेबिलिटी आपकी कंफर्टेबल के साथ में आपकी बॉडी को एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड कराता है, सो ये भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको अपर बॉडी का ही फिर की फिट इतनी अच्छी है कि आप सिर्फ निप्पल पेस्टीज लगा के आप इसे पहन सकते हैं, ये आपके बस्ट एरिया प्लस आपका टमी एरिया को इतना अच्छे से परफेक्ट शेप प्रोवाइड करता है, सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है बॉडी हगिंग ड्रेसेस के लिए। नेक्स्ट जो शेफवेयर है, बहुत सारे लोग फुल बॉडी शेफवेयर प्रेफर करते हैं जो आपकी अपर बॉडी से लेके अप टू आपके थाई तक आपकी बॉडी को एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड करें, एंड आई विल से कि इस टाइप के शेफवेयर आप कौन सी ड्रेसेस के अंदर पहन सकते हो, साइड में इमेज लगा रही हूँ मैं तो, और वो है ये शेफवेयर, नो डाउट ये बहुत ही प्राइसी है, 1700 समथिंग इसका प्राइस है, एंड ये मैंने ऑर्डर किया था जिवामे से, बट इसकी परफेक्ट फिटिंग है, आपका बॉडी एकदम अच्छे से आपकी बॉडी को एक अच्छा शेप प्रोवाइड कराता है जो कि आपकी बॉडी हगिंग ड्रेसेस के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ए लाइन ड्रेसेस के लिए आपको ये खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ज़्यादातर बॉडी हगिंग ड्रेसेस पहनते हो तो ये परफेक्ट है, लाइक आप जीन्स और टॉप वगैरह बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग पहनते हो
क्रॉप टॉप पहनते हो तो उसके अंदर ये थोड़ा विजिबल होगा, बट बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग पहनते हो तो ये परफेक्ट है। लाइक आप टॉप वगैरह ऑफिस ऐसे पहन के जाते हो जिसमें परफेक्ट शेप चाहिए, तो ये परफेक्ट है। एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका जो मटेरियल है वो स्पैंडिक्स है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका। एंड ये ऊपर से आपको कैमिसॉल की तरह दिखेगा और फुल एकदम आपके शॉर्ट्स तक टमी एरिया को कवर करते हुए आपके थाइज एरिया तक जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है कि आपकी बॉडी को एकदम परफेक्ट शेप प्रोवाइड कराता है। इस टाइप से फुल कवर अप बॉडी ड्रेसेस पहन रहे हो तो उसके लिए परफेक्ट है। तो हम सोचते हैं पेटीकोट्स, जो देसी पेटीकोट्स से आजकल मार्केट में आ गए हैं, इस टाइप का शेप वियर जो कि बहुत ही सबसे पहले चला था, ये वाला शेप वियर। तो ये है शेप वियर जो आप साड़ी वगैरह के अंदर पहनते हो। तो बेसिकली मैं बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हो और आप चाहते हो कि आपका परफेक्ट शेप आए तो ये आ जाएगा, लेकिन आपको जो आपका साइज़ होता है ना उससे आपको एक साइज़ छोटा परचेज करना पड़ेगा। सपोज आपका वेस्ट साइज़ 30 है तो आप इसमें 29-28 जा सकते हो, तभी इसका परफेक्ट शेप आएगा और ये आपकी साड़ी को होल्ड कर पाएगा। वैसे तो पिनअप वगैरह लगा लेते हैं बट ये साड़ी को होल्ड अच्छे से कर पाएगा। और इसमें क्या होता है ना कि अगर आप ज़मीन पे फ्लोर पे जैसे क्रॉस लेग करके बैठते हो वैसे बैठना चाहो तो आप बिल्कुल भी नहीं बैठ पाओगे। चलने में ये आपको इजी है बहुत अच्छे से, बट क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते हो। और इस शेप वियर से परफेक्ट शेप जो आती है वो आपके थाई एरिया की जो साड़ी पहनने के बाद शेप आती है वो बहुत ही परफेक्ट आती है, बिकॉज ये जो आपकी थाई एरिया पर जो फिट प्रोवाइड कराता है ना उससे आपकी थाई एरिया पर साड़ी की फिनिशिंग बहुत अच्छे से दिखती है। सो ऑब्वियसली आई वुड से कि अगर आपको एकदम परफेक्ट साड़ी पहनना आती है देसी पेटीकोट के अंदर, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि बाय दिस काइंड ऑफ शेप वियर। बट आपको अच्छे से साड़ी पहनना नहीं आता है जैसे कि मेरी तरह और आपको शेप वियर चाहिए, तो आप इस टाइप का न्यूड कलर का शेप वियर परचेस कर सकते हो जो आपकी सारी साड़ी के अंदर चल जाएगा। इससे थोड़ा सा न्यूड कलर भी आता है तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, सारी साड़ी के अंदर चल जाएगा। प्लस आपको चलने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि यहाँ पे एक स्लिट दिया हुआ होता है बड़ा सा, तो आपके लेग्स आराम से ब्रॉड होके आप वॉक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शेप की अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट शेप देता है ये आपके टमी एरिया से लेके आपके थाई एरिया तक एंड नीचे भी जाता है। सो इस टाइप की शेप वियर काइंड ऑफ शेप वियर जो अगर आपको आपके बस्ट एरिया पे कोई शेप नहीं चाहिए, आपके थाई एरिया पे कोई शेप नहीं चाहिए, बट अगर आपको आपके सिर्फ टमी एरिया पे शेप चाहिए तो मार्केट में इस टाइप के शेप वियर भी अवेलेबल है, जो कि एक तो हुक्स वाले आते हैं जो कि मैंने मीशो से परचेज किया था, बहुत ही अफोर्डेबल है, बट आई वुड से उसके हुक्स इतने टाइट होते हैं वो आपको आपको 2 इंच तक आपको आपका जो फैट है वो कम दिखाएगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा इस टाइप से आपका फैट एक अलग ही तरीके से उभर के आएगा। प्लस उनके हुक्स को लगाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी है, सो आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस काइंड ऑफ शेप वियर जो मैं आपको इमेज में और वीडियो में दिखा रही हूँ। इस टाइप के शेप वियर आप मत परचेस करना बिकॉज ये टोटली वर्थ नहीं लगा, मतलब ऐसा लगता है दम घुट रहा है। अब तक मैंने आपको जो शेप वियर दिखाए वो परफेक्ट है, आपका दम घुटने वाली बात नहीं होगी, बट अपनी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बॉडी के साथ में बहुत ही वो हार्श हो रहे हो, तो वैसी वाली बात नहीं करनी है आपको। तो इस टाइप के जो हुक्स वाले शेप वियर है वो सिर्फ टमी एरिया के लिए होते हैं, तो वो आप परचेज नहीं करें, बहुत ही गंदे लगते हैं एंड सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू, नहीं करा। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे टमी एरिया पे फैट कम है, फिर भी वो मेरे लिए वर्क नहीं करा, तो आप अगर हम उससे भी ज़्यादा थोड़े फैटी हैं तो ऑब्वियसली वो वर्क नहीं करेगा। तो मार्केट में बहुत तरह के शेप वियर अवेलेबल हैं, जितने भी शेप वियर अवेलेबल हैं और जो आपने इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करते हुए देखा होगा वो सारे शेप वियर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, बट एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ में कि कौन सा शेप वियर मेरी बॉडी के लिए वर्क करा है और हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी वर्क करे। बट मैं बोलूँगी कि अगर आप मेरे से भी थोड़े से ज़्यादा मोटे हो तो ये शेप वियर कितने वर्क कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए एक परफेक्ट आइडिया दिया है। अब आप चूज़ कर सकते हो कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सा शेप वियर परचेस करना चाहो। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा 1 या 2 शेप वियर हमें परचेस करना चाहिए जो हमारे लिए सही से काम करेगा, हमें सब तरह के शेप वियर पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि जो ये टमी एरिया से लेके जो थाई एरिया विथ शॉर्ट्स वाला जो शेप वियर है जो मैंने अमेजोन से लिया था, ये आप ट्राई कर सकते हो आपके बहुत सारे ड्रेसेस के अंदर, बहुत अच्छा है ये। आप जीन्स के अंदर भी ट्राई कर सकते हो, आप बॉडी हगिंग ड्रेसेस के अंदर, ए लाइन ड्रेसेस के अंदर ट्राई कर सकते हो। सो मैं ये आपको शेप वियर रिकमेंड करूँगी। अगर आपको शॉर्ट से नहीं, आपको फुल बॉडी आपका परफेक्ट शेप वियर चाहिए, तो मैं आपको ये ज़िवामे वाला
रेकमेंड करूंगी जो कि 1700 रुपये का है। ऑब्वियसली आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और आपका फुल बॉडी यानी कि आपके शोल्डर से लेके आपके थाइस तक का शेप ये आपको प्रोवाइड करा देगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप फुल वाली मतलब नीज तक की बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनते हो, ए लाइन ड्रेसेस पहनते हो, तो ये परफेक्ट है। बट क्रॉप टॉप और जीन्स के साथ में ये मतलब आपके टमी एरिया पर परफेक्ट शेप प्रोवाइड नहीं करेगा। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।